हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को न जाने क्या क्या कहा गया। किसी ने डिक्टेटर कहा, किसी ने कहा कि ये झूठ बोलते हैं। खासकर विपक्षी पार्टियों ने तो ये आरोप लगाए हैं कि जो चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा झूठ प्रधानमंत्री जी ने बोले हैं। मैं आज इस वीडियो में यह सिद्ध करने के लिए आया हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ नहीं बोलते हैं। आपको पहले यह समझना होगा कि झूठ बोलना और जानकारी न होने में अंतर होता है। यदि आपको किसी की जानकारी नहीं है और आप उसके बारे में बोल रहे हो तो सामने वाले को ये लगेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब जानकारी कहां से आएगी, उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया, स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तब से लेकर आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूलिंग स्कूल तक, सॉरी मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। अब हमारे प्रधानमंत्री ने जो ये बात बोली है, कोई इसे मानेगा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? बीजेपी समर्थक भी नहीं मानेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कभी झूठ बोल सकते हैं। मैं मानता हूं कि वो सच बोल रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते हैं। तो उनके अनुसार कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो इसीलिए उनका अंग्रेजी में हाथ तंग भी है। तो अभी जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया था चुनाव के लिए, उस मैनिफेस्टो की तारीफ इस बात से करनी पड़ेगी कि उसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री जी मन से करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के प्रचार के दौरान कभी भी बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात ही नहीं की, वो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते रहे। चूंकि ये कांग्रेस वाले अंग्रेजों के करीबी रहे हैं, तो ये तो अंग्रेज लोग हैं। अब ये जो अंग्रेज लोग हैं, ये अपना मैनिफेस्टो किसमें बनाएंगे? अंग्रेजी भाषा में। और प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है? ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का अंग्रेजी में हाथ तंग है, तो जब वो कुछ चीज पढ़ते होंगे तो शायद उसका वो अर्थ ना निकाल पाते होंगे जो अर्थ उनको निकालना चाहिए। तो उन्होंने जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा होगा उसमें वो अर्थ नहीं निकाल पाए अच्छे से। और जब उन्होंने मन से कोई बात बोली तो हमको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, बस वो बातों को समझ नहीं पाए हैं। तो मिस कम्युनिकेशन नहीं करना है प्रधानमंत्री जी के बारे में, भ्रम नहीं फैलाना है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने मन से खड़े होकर जो बातें बोली थी, जैसे कि उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? तो इस भाषण में मोदी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ के हम सबको समझाया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। अब यहां पर लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप उनके विजन को समझिए, वो सही कह रहे हैं। आपसे कब कोई सामान छीना जा सकता है? जब आप सुरक्षित ना हो। भाई बीजेपी ने 10 साल में सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम किया ही नहीं है, तो जब सरकार कोई नई बन के आएगी तो तुम सुरक्षित नहीं हो ना। दूसरा, ये इससे पहले हम सभी लोग चौकीदार थे, आप भी चौकीदार थे, हम भी चौकीदार थे, तो जहां चौकीदार होता है वहां सुरक्षा होती है। अब अचानक से हम लोग चौकीदार नहीं रहे तो फिर महिलाओं का मंगलसूत्र सुरक्षित कैसे रहे? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2047 तक आते आते कांग्रेस अगर भविष्य में सत्ता में आती भी है तो वह मंगलसूत्र नहीं छीन पाएगी। मैं इस चीज का भी समर्थन कर सकता हूं, क्योंकि मंगलसूत्र छीनने के लिए मंगलसूत्र महिलाओं के पास होना भी चाहिए। वो इसलिए, जो महिलाएं अभी शादीशुदा हैं जिनके पास मंगलसूत्र था, महंगाई में उन्हें इस मंगलसूत्र को गिरवी रखना पड़ा। भाई गिरवी क्यों रखना पड़ा? घर का खर्च चलाना है, इतना महंगाई का काम कैसे कर सकते हैं? तो घर वाले काम क्यों नहीं कर रहे हैं? काम के लिए रोजगार होना चाहिए। अब रोजगार है नहीं है तो फिर मंगलसूत्र रख के ही तो हम घर का खर्च चलाएंगे। और जो महिलाएं मंगलसूत्र पहनने वाली हैं, यानी जो बच्चियां शादीशुदा होकर मंगलसूत्र पहनने वाली हैं, उनको नेताओं ने उस लायक छोड़ा ही नहीं है। भारत के बाबा, बैरागी, मौलवी, ये जो भेष धारण करके आते हैं, उनके सामने महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। आप इस सफेद भैंसे को देखिए, टीएमसी का नेता है, क्या इसके ऊपर रेप के आरोप नहीं है? अभी भी ये बिंदास घूम रहा होगा, जेल में भी इसके मजे होंगे। इस बाबा को देखिए, रीछ जैसा दिखने वाला भालू जैसा इंसान, इसके ऊपर आरोप है रेप के, ये पैरोल पर आ जाता है, और जिस राज्य में पैरोल पे जाता है वहां की सरकार इसकी खातिरदारी करती है। ऐसे फर्जी बाबाओं के ऊपर रेप के आरोप लगे हुए हैं, हम इनको भगवान का रूप दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इनके ऊपर है, बीजेपी के तो कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। ये वो आईटी सेल के छर्रे हैं बीजेपी के, जिनके ऊपर बीएचयू की एक बच्ची के ऊपर बलात्कार का आरोप था। आरोप
ऐसा कि बलात्कार करने के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव में भी इन्होंने भागीदारी की। क्या हुआ इनका? कुछ नहीं हुआ। ये देखिए ब्रजभूषण सिंह, इनके ऊपर पहलवानों के शोषण का आरोप था लोकसभा चुनाव में, इनको टिकट ना देते हुए इनके बेटे को टिकट दे दिया गया। भाई बाप का असर बेटे पर भी तो होगा भाई, जिस बाप के ऊपर आरोप है शोषण के उस परिवार को तो नजरअंदाज कर देना चाहिए और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं इनको तो इनाम दिया जा रहा है। ऐसे ही इस बीजेपी नेता को देखिए, इसने तो रेप किया और रेप करने के साथ साथ एविडेंस को ही गायब कर दिया था। इसको आप ध्यान से देखो, ये रेवन्ना, ये वो व्यक्ति है जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन से खड़े होकर कहा था वोट दीजिए। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वलन रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। और इस व्यक्ति का रेप स्कैंडल तो आपने केस सुना ही होगा कि इसने हजारों बच्चियों के बलात्कार किए, उसका वीडियो बनाया है। 60 साल की महिला का ये बलात्कार कर रहा था, वो हाथ पैर जोड़ रही थी। ऐसे हवशियों को अगर हम नेताओं के रूप में चुनकर भेजते हैं तो तुम मुझे बताइए, जो बच्चियां मंगलसूत्र पहनने के लिए यानी किसी की बहू बनने वाली हैं, जो बेटियां वो बहू बनने लायक ये लोग छोड़ रहे हैं क्या? तो जिनके पास मंगलसूत्र था वो महंगाई में गिरवी रख दिए हैं, और जो बच्चियां बहू बनने वाली हैं किसी की, इन लोगों ने उसके लायक छोड़ा नहीं है। अगर सच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कॉन्सेप्ट होता बीजेपी के दिमाग में तो इनको अभी तक फांसियां हो चुकी होती, पर ऐसा है ही नहीं। इस देश में बेटी बचाओ केवल एक चेतावनी है, नारा नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग मोदी जी को डिक्टेटर बोलते हैं, उनको ये लगता है कि मोदी जी सभी संस्थाओं पर नियंत्रण करके बैठे हुए हैं। आप पहले इस भाषण को सुनिए जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। जरा ये साझा दे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। अब मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं जिनको ये लग रहा है कि मोदी जी डिक्टेटर हैं, सभी संस्थाओं पर नियंत्रण करके बैठे हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, जब मोदी जी को ये बात मालूम है कि कांग्रेस सरकार अडानी और अंबानी को टेम्पू भर के पैसा भेज रही है, यानी कि कांग्रेस सरकार के पास पैसा कहीं से आ रहा होगा, अडानी के पास वो पैसा जा रहा होगा, मोदी जी को ये बात मालूम है, इसके बावजूद भी ईडी और सीबीआई जैसे छापे नहीं पड़ रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है क्या सच में मोदी जी एक तानाशाह हैं? अगर ऐसा होता तो अभी तक टेम्पू का पता लग चुका होता और अडानी अंबानी जेल में होते और कांग्रेस के सहजादे भी जेल में होते। लेकिन मोदी जी को सब बात मालूम है कि पैसा कहां से गया, टेम्पू से गया, कितना गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? कार्रवाई तब होती जब ईडी और सीबीआई मोदी जी के नियंत्रण में होते। नहीं है, एक इसका प्रूफ और दे सकता हूं। आप इस व्यक्ति को देखिए, इस व्यक्ति के बारे में मोदी जी क्या बोल रहे हैं सुनिए आप। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। अब मोदी जी को मालूम है कि ये व्यक्ति करप्ट है, लेकिन फिर भी ना तो ईडी गई ना सीबीआई गई, ईडी को भी नहीं भेजा गया इस व्यक्ति के पास कि जाओ गिरफ्तार कर लो। और मोदी जी का कोई नियंत्रण, पार्टी में भी नियंत्रण नहीं है, मतलब इसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हुई। मोदी जी को मालूम है कि ये भ्रष्टाचारी है, खुद बोले हैं मन से, उनका अपनी पार्टी पे भी नियंत्रण नहीं है। इस भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल भी कर लिया गया, फिर भी मोदी जी के ऊपर तानाशाह होने का आरोप लगाते हो, तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से गलत है। इस प्रकार के आरोप मोदी जी पे नहीं लगाने चाहिए। और मैं माननीय मोदी जी से बोलूंगा कि या सभी नेताओं से कि आपने जो भी काम किए हैं कि उसको मंच से खड़े होकर उन उपलब्धियों को गिनाइए। मेक इन इंडिया के क्या हालात हैं, स्किल इंडिया के क्या हालात हैं। अब इंडिया में स्किल इंडिया तो समझ में आ ही रहा है कि जब बच्चे सही और गलत का एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम स्किल किस बात के। मेक इन इंडिया के हालात तो सबको ही दिखे थे, कोरोना आया था हमारे पास, ऑक्सीजन के प्लांट भी पूरी तरह से निर्मित नहीं हो पाए थे, और वापस से सुन रहे हैं कि कोरोना की दस्तक आ रही है, ऐसे ही लाशें जलती हुई दिखाई देंगी। इसलिए अगर 2047 तक हमें भारत को विकसित बनाना है,
मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि हमें धर्म और जाति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। हमें वो प्रधानमंत्री चाहिए जो मन की बातें अच्छी अच्छी करते हैं और जब मन से आते हैं तो उनके भाषण बदल जाते हैं। हमारा प्रधानमंत्री वो है जो मन की बातें करता है, जिनमें सहार्द है, जिसमें लगता है कि हम एक मुखिया को सुन रहे हैं। लेकिन जब यही प्रधानमंत्री मन से खड़े होकर नफरती भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने प्रधानमंत्री को सुन ही नहीं रहे हैं, हम किसी गली छाप नेता को सुन रहे हैं, जो बड़ा दुखदायी होता है। प्रधानमंत्री जी की छवि विश्व में बहुत मजबूत है, इस प्रकार के भाषण से उनकी छवि पर धब्बा लगता है। निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी, इस प्रकार के भाषण को आप अवॉइड करें। राजनीतिक चुनाव में आपका करियर, आप 2024-2029 एक समय के बाद आप रिटायर होंगे, तो हम चाह रहे हैं कि आपको भी भारत के लोग वैसे ही प्यार दें, वैसे ही याद करें जैसे आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं, जैसे आज हम नरसिम्हा राव जी को याद करते हैं, जैसे आज हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद करते हैं, उसी सम्मान से हम आपको भी याद करें। तो इस प्रकार के नफरती भाषण ना दें, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं, इस देश के लिए आपने बहुत कुछ किया है, आगे भी आप करिए। हम यही निवेदन करते हैं कि जो भी करें उसमें नफरती भाषण का प्रयोग ना करें। विकास करना है 2047 तक, तो विकास की बात जहां भी खड़े हों सिर्फ विकास की बात हो और वो विकास दिखे भी और दिख भी रहा है। जय हिंद, जय भारत।